नमस्कार, मैं अश्वनी श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIII द्वारा संकलित एक रोचक मनोरंजक अभिनव नवाचार के बारे में आपको विस्तार रूप से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आपको मानवीय मूल्यों से संबंधित जम्मू कश्मीर के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है मानवता के हीरो। मनुष्य प्रमुख रूप से मानवीय मूल्यों के साथ जन्म लेता है, परंतु भौतिकवादी प्रभाव जब मानव मन पर हावी होता है तो वह कृतज्ञता, सहानुभूति और देखभाल जैसी भावनाओं से धीरे धीरे दूर होने लगता है। हमारे नवाचारी शिक्षकों ने छात्रों के अंदर मानवीय मूल्यों का बीज रोपित करने के लिए मानवता के हीरो नामक गतिविधि का क्रियान्वयन किया, क्योंकि बच्चे हीरो होने की अवधारणा से प्यार करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हीरो वह है जिसे हर कोई देखता है, पसंद करता है। हीरो एक साधारण व्यक्ति नहीं है, हीरो परिस्थितियों को बदलने को और बाधाओं को दूर करने के लिए सक्षम होता है, उसकी क्षमता रखता है। हमारे नवाचारी शिक्षकों ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में हर सप्ताह छात्रों को एक मानवीय मूल्यों पर और नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानी कथा सुनाना आरंभ किया। शिक्षक छात्रों को सुनाई गई कहानी के अनुसार नैतिक मूल्यों का अनुसरण करने के लिए कहते हैं और छात्रों को यह भी समझाते हैं कि इसकी निगरानी उन्हें स्वयं करनी है, स्वयं के ऊपर निगरानी जो है स्वयं करनी है। जैसे कि शिक्षक ने एक कहानी सुनाई ईमानदार लकड़ारा, जिसमें कि एक लकड़ारे की ईमानदारी पर ही बात की गई है। तो शिक्षक सभी बच्चों को ईमानदारी का मूल्य अपने अंदर विकसित करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि आप पूरे सप्ताह ईमानदार बन के रहेंगे और आप स्वयं इस बात को रेट करेंगे कि आप ईमानदारी के जो आपको ईमानदारी का जो रास्ता दिखाया गया है उस पर आप कितने खरे उतर रहे हैं। शिक्षक साथ ही साथ प्रत्येक दिवस के अंत में कुछ मिनट के लिए सभी छात्रों को कक्षा में या विद्यालय में अपने आचरण पर क्या बदलाव हुआ है उसकी रेटिंग करने के लिए बोलते हैं। शिक्षक कहते हैं कि 5 अंकों में से आज के पूरे दिन में आपने जो ये गुण जो आपको बताया गया है ईमानदारी का, इसका कितना पालन किया है, इसका आप स्वयं रेट करिए। सभी छात्र स्वयं को रेट करते हैं। अगर रेटिंग में कम नंबर पाए जाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि कल की डेट में उनकी रेटिंग और अच्छी हो। इस अभ्यास को छात्रों ने नैतिक मूल्यों को बढ़ाने की ओर अग्रसर किया, उनके चरित्र और आचरण में कहीं ना कहीं बदलाव लाया। हम आशा करते हैं ये नवाचार आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये आप अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित कराएंगे। ये नवाचार प्राथमिक माध्यमिक दोनों स्तर के कक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस तरह के कई दिलचस्प नवाचार और वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। अनुरोध है आपसे, यदि आप YouTube पर यह वीडियो देख रहे हैं तो ZIII या YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया Facebook पेज को जरूर लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।